हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ इजी सी रेस्टोरेंट स्टाइल वन पॉट बटर पनीर मसाला की रेसिपी। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। यहाँ मैंने 4 टमाटर चॉप करके ले लिए हैं, 2 चम्मच मलाई ले ली है, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ले लिया है, कुछ खड़े मसाले ले लिए, 3 इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी और 1 टुकड़ा जायफल का, 1/2 टेबल स्पून चीनी ले ली है, 15 से 16 दाने मैंने काजू के ले लिए हैं, 2 हरी मिर्चे, 12 से 15 लहसुन और 2 टुकड़ा अदरक का ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे घर का पिसा गरम मसाला लिया है, आप रेडीमेड भी ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून बटर प्लस 2 टेबल स्पून ऑयल, बड़े चम्मच ये मैंने कसूरी मेथी ले ली 1 चम्मच, 3 प्याज को चॉप करके ले लिया है, 250 ग्राम पनीर ले लिया है, क्यूब्स में से काट लिया है। चलिए आइए अब इसे बनाते हैं। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 1/2 ऑयल और बटर ऐड करूँगी, आधा हम बचा लेंगे। अब मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूँगी, जायफल निकाल लेंगे, इसे हमें आखिर में यूज़ करना है, भून लेंगे। खड़े मसालों से हमारा जो ऑयल है वो काफ़ी एरोमेटिक हो जाता है, काफ़ी खुशबूदार बन जाता है। ये हमारे अब मैं इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च डाल दूंगी, इसे भी अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा हमारा लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा बस तभी तक हमें इसे भूनना है। ये मेरा लहसुन ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी। प्याज को हमें बहुत भूनना नहीं है, बस हल्का सा गुलाबी या ट्रांसलूसेंट ही बनाना है, ये एक नेचुरल स्वीटनेस देता है हमारी ग्रेवी को। बस हमारे प्याज ऑलमोस्ट भून के तैयार हैं, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। यहाँ मैंने टमाटर रफली चॉप करके ले लिए थे, थोड़े काजू ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लेंगे इसे। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी, सॉल्ट से ये जल्दी पक जाएंगे। बस अब इसे ढक के पका लूँगी मैं 5 मिनट के लिए, जब तक कि एकदम मैश ही नहीं हो जाता। 5 मिनट के बाद ये पक गया है, काफ़ी मैश ही हो गया है। अब मैं इसकी प्यूरे बना लूँगी, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम इसकी प्यूरे बनाएंगे। एकदम फाइन वेलवेटी प्यूरे बनानी है हमें इसकी। गैस ऑफ कर लेंगे, ठंडा होने देंगे और इसकी प्यूरे बना लेंगे। उसी सेम पैन में मैं लेफ़्ट ओवर जो हमारा ऑयल और बटर बचा था वो ले लेंगे हम। इसमें मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी, ये कलर के लिए होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती है। ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, नहीं तो ये जल जाएगी। ये जो हमने ग्रेवी तैयार करी थी पीस के, इसे भी ऐड कर देंगे। सारी ग्रेवी मैंने अपने पैन में ले ली है, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। 5 से 7 मिनट मैं इसे भी पकाऊंगी,
काफ़ी वेलवेटी और टेस्टी लग रही है हमारी ग्रेवी। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। मैंने इसे पका लिया है 5 से 7 मिनट और अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून चीनी ऐड करिए। अगर आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मलाई ऐड कर दूंगी मैं। मैंने यहाँ पे मलाई का यूज़ करा है, आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी पका लूँगी मैं 2 मिनट के लिए। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। बस अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे, 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये मैं इसमें 1 चुटकी जायफल भी घिस के डाल रही हूँ। अगर आपके पास जायफल ना हो तो आप ये स्टेप अवॉइड कर दें। बस हमारी बटर पनीर मसाला तैयार है। चलिए आइए इसे सर्व कर लेते हैं। बटरी वेलवेटी बटर पनीर मसाला तो रेडी है। आप भी इसे ज़रूर अपने घर पे बनाएं। मैं इसे टॉप कर दूंगी थोड़ी फ्रेश क्रीम के साथ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप मलाई को भी फेंट के उसमें डाल सकते हैं। और थोड़ा सा और कसूरी मेथी से मैं इसे गार्निश करूंगी। एक बार मैं इसको आपका क्लोजअप दिखा देती हूँ, पास से लाके दिखा देती हूँ कैसी लग रही है ये। ये देखिए लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बटर पनीर मसाला। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।